मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में इसी को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मंगलवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और सीएम चेहरे को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों के बीच की रेस रोचक होने वाली है, क्योंकि प्रदेश के आधा दर्जन नेता सीएम पद के दावेदार हैं। सबसे पहला और मजबूत दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही है, लेकिन दूसरी पंक्ति में खड़े दिग्गज भी एक्टिव हो गए हैं। नतीजे आने के दूसरे दिन ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किस पर मेहरबान होगा और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है मध्य प्रदेश का। फिलहाल ये सवाल बरकरार बना हुआ है।